बहन के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करे तो यकीनन एक भाई ऐसा करने वाले को माफ नहीं करेगा, मगर कानून को हाथ में लेना तो गलत है। मगर सोनीपत में एक भाई ने बहन से हुई छेड़छाड़ का बदला आरोपी का खून कर दिया। मामला खरखोदा का है, जहां ईंट से कुचलकर निरंजन नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। उस वक्त परिजनों ने मृतक की पहचान उसके पास से बरामद हुए फोन से की थी और हत्या का शक गांव के ही दीपक और उसके दोस्तों पर जताया था। पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए दिल्ली से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम कुणाल और पवन हैं। 20 मार्च को हमें कंप्लेंट धर्मपाल नाम के व्यक्ति की प्राप्त हुई, जिसमें कि उसने बताया कि उसके भतीजे को, जो कि बिट्टू नाम है उसका, सिसाना माइनर के पास ईंट से मार कर हत्या कर दी, जो कि इन्वेस्टिगेशन को जारी रखते हुए हमारे सचिव विवेक मलिक के नेतृत्व में हमने टीम गठित की, जिसमें कि हमने दो मुख्य आरोपी जिनका नाम कुणाल उर्फ मोंटी और पवन को दिल्ली से अरेस्ट किया है। और अरेस्ट के बाद उनके जो अनुसंधान आगे जारी है और शामिल तफ्तीश हो चुके हैं वो, उसके साथ साथ जितनी भी रिकवरीज हैं, जो कि मौके से जिस ईंट से उसकी हत्या की थी वो भी हमने रिकवर कर लिया है, वो क्लोथ्स भी हमें रिकवर किए हैं जो उस टाइम उसने हत्या के वक्त पहने हुए थे। उसके साथ साथ जो उन्होंने बताया कि हत्या के बाद वो हसनगढ़ गए थे, जिस बाइक पे गए थे वो भी चोरी की बाइक है, अभी रिमांड लेकर उस बाइक को रिकवर करना अभी बाकी है और अनुसंधान अभी जारी है, और साथ ही साथ जितनी भी जो इसमें बाइक रिकवर होगी उसके भी तथ्य आपको अलग से बताए जाएंगे। गिरफ्तार आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो हत्या की वजह का खुलासा हुआ। दरअसल विद्वान गांव के निरंजन ने कुणाल की बहन के साथ छेड़छाड़ की थी, जिससे कुणाल उससे रंजिश रखने लगा और बदले की फिराक में रहने लगा, और जब मौका मिला तो शराब पीने के बहाने निरंजन को दोस्तों के जरिए बुलाया और इस दौरान इतनी शराब पिला दी कि निरंजन ने कुणाल की बहन को लेकर तंज कस दिया। फिर क्या था, भाई कुणाल ने बहन पर कसा तंज सहा नहीं गया और ईंट से कुचल कर निरंजन की हत्या कर दी। अभी जो हमारे इंटरोगेशन में अभी सामने आया है कि कुछ दिन पहले जो कुणाल उर्फ मोंटी है उसके सिस्टर को जो मृतक है बिट्टू, उसने छेड़ा था, दारू पीते हुए कहीं ना कहीं बिट्टू ने इस पे तंत कसा था कुणाल पे, और उसी को मद्देनजर रखते हुए इसने हत्या को अंजाम दिया। किस चीज़ से हत्या की गई थी? ईंट से हत्या की गई थी, ईंट से कई वार किए गए थे सिर पर इसके, जिससे कि इसकी हत्या हुई। क्या करता था सर ये बिट्टू? बेसिकली ये तीनों के तीनों मतलब खेती बाड़ी का ही काम करते हैं, कोई भी इनमें से कोई पढ़ाई लिखाई का काम नहीं करता। कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, रिमांड पर लिया जाएगा। बता दें कि 20 मार्च को जब गांव के लोग रिढ़ाऊ मार्ग पर टहल रहे थे तो उन्होंने सिसाना माइनर के पास निरंजन का शव पड़ा मिला। मामले की शिकायत पुलिस से की गई, जिसके बाद तुरंत टीम का गठन किया गया, जिसने दिल्ली जाकर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब उन्हें कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है, जहां मामले को लेकर गहनता से पूछताछ की जाएगी। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।